यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। यस यस, जस्ट वन मोर है। मौलिक, ये क्या हो रहा है बच्चे? कितनी देर तक आपकी ये गेम चलती रहेगी? ओके। मौलिक, कब बंद होगा ये? सारा दिन बस या तो आप मोबाइल या फिर टीवी। ओके। लेट्स प्ले बैकगैमन। मम्मा चलो बैकगैमन खेलते हैं। मुझे नहीं आता मौलिक। कोई बात नहीं मम्मा, मैं सिखाता हूँ आपको। ओके ठीक है। मम्मा बैकगैमन खेलने के लिए आपको बोर्ड चाहिए और बोर्ड में इन टोटल 24 स्क्वायर ट्रायंगल्स है और मेरी वाली साइड में 12 ट्रायंगल्स है यहाँ और आपकी वाली साइड में 12 ट्रायंगल्स है। और बैकगैमन खेलने के लिए ये मेरे चेकर्स है तो ये 15 चेकर्स होने चाहिए और ये आपके चेकर्स है जो 15 चेकर्स होने चाहिए। ये मेरे दो डाइस हैं, ये और ये आपके दो डाइस हैं। और आपको दो शेकर चाहिए मगर मेरे पास एक ही है क्योंकि मेरा दूसरा शेकर खो गया था। मम्मा ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये मैंने बिगिनर्स के लिए हैं। और बैकगैमन में बोर्ड में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा और ये चौथा। इन क्वाड्रेंट्स में ये वाला मेरा क्वाड्रेंट है और ये वाला आपका क्वाड्रेंट। ओके। इन क्वाड्रेंट में 6 ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स और मेरे वाले में भी 6 ट्रायंगल्स। हर एक क्वाड्रेंट में 6 ट्रायंगल्स होते हैं। अच्छा मौलिक, मेरे को ये सब तो समझ आ गया, पर अब ये बताओ कि ये चेकर्स कैसे लगाऊं? सब में 1-1 चेकर रखना है कि कैसे रखना है? ओके, चेकर्स लगाने के लिए मैं पहले डाइस हटा देता हूँ। ओके थैंक यू। तो अब अपने 5 चेकर्स लो। ओके 1 2 3 4 5 कहाँ लगाओ? और इन 5 चेकर्स को यहाँ लगाओ, यहाँ। तो जो भी जहां पर भी मैं लगाऊंगा अपने चेकर्स वहां ही आपको लगाने हैं मिरर्ड वे में। ओके, मिरर इमेज बनानी है। हाँ, जैसे ये एकदम मिरर इमेज है ना। तो अपने 3 चेकर लो, 1 2 3 और इनको यहाँ लगाओ। अपने 2 चेकर्स लो, लिए और इनको यहाँ लगाओ। और अपने लास्ट 5 चेकर्स लो और इनको यहाँ लगाओ। तो ऐसे चेकर्स को हम लगाते हैं। तो ये मेरे चेकर्स ऐसे सेट होते हैं और ये आपके चेकर सेट होते हैं। जब आप बैकगैमन खेल रहे होगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे अपने होम की तरफ। okay. और मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा अपने होम की तरफ। और जब आप खेल रहे होगे, मैं बाद में ही आपको समझाऊंगा कि आप कैसे यहाँ आओगे, मगर आपको यहाँ इस बार के ऊपर नहीं आना है,
आपकी कोई भी ऐसे चेकर इसके ऊपर नहीं आएगी, मतलब ये अगर आपकी चेकर इसके ऊपर आएगी तो आपका एक डाइस की चांस चेकर को बचाने में ही चला जाएगा। ओके मौलिक, गॉट इट। मौलिक ये सब तो समझ आ गया, पर इस गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस गेम का ऑब्जेक्टिव है कि आपके अपने सारे जो चेकर्स हैं ना, ये आपके ब्राउन चेकर्स, आपके सारे ब्राउन चेकर्स आपके घर में आने चाहिए और मेरे सारे वाइट चेकर्स मेरे घर में आने चाहिए। जब आपके घर पे आएंगे सारे चेकर्स, जैसे आपके ब्राउन चेकर्स या और मेरे वाइट चेकर्स या, वो सारे मेरा वाइट चेकर्स मेरे बैग में आने चाहिए और आपके सारे ब्राउन चेकर्स आपके बैग में आने चाहिए। ओके। बिफोर आई एक्सप्लेन के डाइसेस कैसे काम करते हैं, मैं आपको पहले इनवैलिड मूव्स और वैलिड मूव्स बताऊंगा। ओके ओके। तो जैसे यही मान लेते हैं कि मेरे पास 4 और 1 आया, तो मैं उन दोनों को कंबाइंड करके चल सकता हूँ या 4 और 1 को मैं सेपरेटली चल सकता हूँ। तो मैं अभी सेपरेटली दिखाता हूँ। जैसे मैंने यह 1 चल दिया और फिर इसी इसके पीछे वाला मैं इसको 4 चल देता हूँ, लाइक 1 2 3 4। ये फर्स्ट थिंग है जैसे एक चीज मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज है मैं इन दोनों को जोड़ के चल सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। अब ये एक इनवैलिड मूव हो गया क्योंकि आप यहाँ एक आपका चेकर का टावर बना हुआ है। अगर ऐसे मोर देन 1 अगर चेकर्स हो तो मैं उसके ऊपर ऐसे चल नहीं सकता। तो अगर ऐसे फ्री हो, ये वाला स्पॉट फ्री हो, तो मैं यहाँ चल सकता हूँ। मगर अगर ये ना हो, जैसे ये था, तो मैं नहीं चल सकता इसको। पर अगर मौलिक यहाँ पे सिर्फ एक ही चेकर हो सपोज, तो क्या मैं यहाँ पे चल सकती हूँ? हाँ, आप चल सकते हो। अगर मैं चलूंगा यहाँ, अगर आपके पास एक ही होगा तो ये इस बार के ऊपर चला जाएगा। रिमेम्बर मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बार के ऊपर नहीं आना, यही एक चीज है, ये बार पे आ गए अब। तो मैं यही आपको चलना होता है कि आपके चेकर्स को आप कैसे सेव कर सकते हो। चेकर को आप हमेशा टावर के ऊपर रखा करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर अपने चेकर्स सेव करने हैं तो हमें एक से ज्यादा चेकर्स एक जगह पे रखने हैं, तभी हमारे चेकर्स सेव हो सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। नाउ टेल मी मौलिक, हाउ टू स्टार्ट दिस गेम? गेम स्टार्ट करने के लिए हमें 2 शेकर चाहिए। ये मेरे 2 शेकर हैं, एक डिफरेंट दिखता है मगर ऑल राइट। और हमें 2 डाइस चाहिए, मगर स्टार्टिंग के लिए हम एक ही डाइस लेंगे। एक डाइस को हम अपने शेकर के अंदर डालेंगे। अब आप मम्मा इस शेकर को शेक करो। शेक करने के बाद जब मैं गो बोलूं तो हम एकदम जैसे मैं गो बोलूंगा हम एकदम सेम टाइम में हम पलटेंगे। 3 2 1 2। और जिसका भी हाई नंबर आएगा वो आपका डाइस लेके या आप मेरा डाइस लेके चाल चलोगे। ओके तो मेरा बड़ा नंबर आया तो मैं पहले चलूंगा आपका नंबर लेके। अब देखो मेरे पास 5 और 2 आए हैं, तो इसमें 5 और 2 को चल के दिखाता हूँ। मैं 5 को यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ चलूंगा और 2 को मैं 1 2 यहाँ चलूंगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ से अगर 5 मैं यूज करूंगा और मैं इसको यहाँ लेकर के आऊंगा तो उससे मेरा सेफ रहेगा चेकर, क्योंकि आप यहाँ से मार सकते हो मेरे को, तो इसलिए मैंने ये यूज किया। साथ में उसके बाद मैंने 2 यहाँ पता है क्यों किया? क्योंकि फिर मेरे घर के अंदर इन माई होम ये चेकर आ गया। तो
यही तो ऑब्जेक्टिव है ना कि आप अपने सारे चेकर अपने घर के अंदर लेकर के जाओ, तो वही मैंने अभी किया। तो मेरे पास इन टोटल 6 चेकर्स मेरे घर में है। मौलिक, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर मेरा फॉर एग्जांपल चेकर यहाँ है और आपके चेकर की 3 टर्न आई, 1, 2, 3, तो मेरा चेकर कैप्चर हो गया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी? उसके बाद आपका चेकर इस बार के ऊपर चला जाएगा, ये तो आप जानते हो ना? Yes। इसका मतलब ये है कि आपका चेकर पूरा बिगिनिंग मेरे घर से पूरी जर्नी करेगा आपके घर पे। अब मैं आपको एक रूल बताऊंगा डाइस का। ये इस रूल में अगर डाइस के पास 2 नंबर सेम आए तो उसका मैं आपको रूल बताता हूँ। जैसे मेरे पास 4-4 आया, तो मैं इस नंबर को, जैसे नॉर्मल नंबर, अगर कोई भी नंबर आया 4-1, तो मैं इसको नॉर्मल वे जैसे चलूंगा ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और 1 में भी हेयर 1, तो ये मैं ऐसे चलूंगा। मगर अगर आपके पास कोई डबल नंबर आया तो मैं डबल नंबर को 2 बार चलने की बजाय मैं उसको 4 बार चलूंगा। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 मैं यहाँ चला, और मैं 1, 2, 3, 4 यहाँ चला, और एक और मैं ये चेकर वापस यहाँ किया, तो 1, 2, 3, 4, और मैंने ये वाला चेकर 1, 2, 3, 4, तो मैं यहाँ आया। तो ये टोटल 4 चांसेस में एक ही चेकर थ्रो करके मेरे पास 4 चांस आ गए हैं। तो ये डबल डबल नंबर की एक स्पेशलिटी है। मम्मा, मैंने आपको एक रूल बताया था ना कि आपको बार के ऊपर आप जाओगे, अगर आपका कोई चेकर बार के ऊपर जाएगा तो वो पूरा जर्नी वापस अपने घर पे करेगा। हाँ। अगर एक सिचुएशन ऐसी होती है जिधर मैं एक मिनट वो बस सेटअप कर देता हूँ। अब देखो, मैंने ये सेटअप कर दिया। इस सिचुएशन में अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 6-2 आया, तो आप 1, 2, 2 यहाँ आप चल नहीं सकते, और साथ में आप 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी नहीं चल सकते। तो आप इन टोटल 8 नहीं चल सकते, 6 भी नहीं चल सकते, और 2 भी नहीं चल सकते। इस सिचुएशन में आप अपनी टर्न स्किप करके अपने डाइस शेकर के अंदर डाल के नेक्स्ट अपोनेंट, मतलब अपोनेंट की टर्न आएगी, तो इस सिचुएशन में आपकी टर्न स्किप हो गई। मम्मा, अगर आप इस सिचुएशन में होगे, तो अगर आपके इतने सारे चेकर्स हैं अंदर और आपका एक ही चेकर बाहर है, तो भी आप अपने जो चेकर्स हैं वो बोर्ड के बाहर नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि आपके सारे चेकर अंदर नहीं है, ये बस एक चेकर बाहर है, तब भी आप नहीं लेकर के जा सकते। तो आपके सारे चेकर ऐसे अंदर होने चाहिए। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दिखाऊंगा जहां आप अपने चेकर को बाहर निकाल सकते हो उनके बैग्स में। तो मैं ऐसे कोई भी नंबर रख देता हूँ, जैसे मेरे पास 6-4 आया, तो मैं ये 6th, ये लास्ट पॉइंट है, तो मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। साथ में ये 4th है, तो मैं इसको 1, 2, 3, 4 से बाहर निकाल सकता हूँ। मगर अगर मेरे पास, अगर मेरे को ये मूव करना हो, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मगर ये बाहर नहीं निकालेगा चेकर को। ये 1, 2, 3, 4 यहाँ एकदम एंड, सो क्लोज बाहर निकलने के लिए पॉइंट पे आएगा। और मगर 6 से मैं कोई भी छोटे नंबर से निकाल सकता हूँ चेकर को, और 4 से कोई भी मैं छोटे नंबर से चेकर को निकाल सकता हूँ। तो ये है डिफरेंट रूल, डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ आप चेकर को निकाल सकते हो।
एक केस है जहाँ आपके पास डबल नंबर आए, जैसे मेरे पास 5 आए, तो मैं ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सारे चेकर्स अंदर आ गए और आपके पास डबल नंबर आया हो, तो 5-5 आ गया, तो मैं ये पूरी जो बार है ना, मैं इसको पूरा निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये देखो 1, 2, 3, 4 ये 5 से कम है, तो ये पूरी ही बार निकल सकती है, क्योंकि डबल नंबर आप 4 बार चल सकते हो, और ये भी निकल जाएंगे क्योंकि ये 5 से कम है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बैकगैमन गेम को कैसे विन करते हैं। अब बैकगैमन तभी हम विन करेंगे जब सारे चेकर्स बोर्ड से बाहर चले जाएं। तो फॉर एग्जांपल प्रिटेंड कि ये मेरी बारी है और मैंने डाइस किया, और अब ये वाला यहाँ 6 होता है ना, तो ये 6 से कम है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, लाइक 1, 2, 3, 4 ये निकल गया, और ये 5 से कम है, तो ये मैं इसको कर सकता हूँ 1, 2 और ये निकल गया। तो ये है, इस चीज से हम बैकगैमन को विन करते हैं। अब मैं विन कर गया हूँ बैकगैमन में। तो यही है सारे रूल्स बैकगैमन को सीखने के लिए, और यही सारा कुछ आपको पता होना चाहिए बैकगैमन खेलने के लिए।